और भाइयों की हलचल, आपकी स्किन आपके ही केयरलेसनेस और आपका एनवायरनमेंट की वजह से अपना असली कलर को खो देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल और बहुत ही ज्यादा टैनिंग प्रॉब्लम से होके गुजरती है। और हमारे इंडियन क्लाइमेट की वजह से इंडियन बॉयज के फेस पर और पूरी बॉडी पर नॉन यूनिफॉर्म टैनिंग और डलनेस होना बहुत ही कॉमन है। आज की ये वीडियो अल्टीमेट गाइड होने वाली है, 100% इफेक्टिव गाइड है। आप इन प्रॉब्लम से इस बार दूर रहोगे और अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और शाइनी पाओगे। टैनिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पाके आप एक मॉडल की जैसी स्किन, ग्लोइंग शाइनी स्किन पा सकते हो। और वीडियो में लास्ट में बोनस टिप्स में मैं स्पेशल बोनस टिप देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपके लिए बेस्ट सनस्क्रीन कौन से होने वाली हैं, जो आपको और भी ज्यादा इन सभी प्रॉब्लम से दूर रखेंगी, जो कि आपकी स्किन बिल्कुल मॉडल जैसी शाइनी और ग्लोइंग दिखने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हाँ, तो हमारा मोस्ट कॉमनली काफ़ी टेंड और ज़्यादा डल होता है हमारे आसपास के गंदे पॉल्यूशन और सन्स की हार्मफुल रेज की वजह से ही होता है। स्पेशली हमारी स्किन सन्स की हार्मफुल रेज से बचने के लिए या हमको प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन पिगमेंट बनाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपना असली कलर से थोड़ी डार्क या ब्राउनिश हो जाती है। तो आप सभी के दिमाग में या आपने ये कभी सोचा होगा कि अब ये टैनिंग की प्रॉब्लम हमारे शरीर से जाकर हमारी ओरिजिनल स्किन आ सकती है या नहीं। तो इसका आंसर है, आ सकती है, पर आपके लिए उसके लिए ये तीन चीज़ें को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, आपको अपना सन एक्सपोजर को लिमिट में रखना होगा, जिसके लिए आप सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक के धूप को अवॉइड करें या मिनिमाइज करें। सेकेंड, आपको अपनी स्किन की फुल केयर करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। एंड थर्ड, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, टैनिंग और डलनेस हमारे शरीर से दूर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये प्रॉब्लम कुछ महीनों में दूर होती हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा कुछ 2 से 3 महीनों के लिए, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। हाँ, तो अब मैं आपको 4 मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, जो आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम से दूर करेंगे। फर्स्ट, फैशन हैक्स। हाँ, तो फैशन हैक्स का यूज करो। प्रॉपर फैशन हैक्स का यूज करके आप सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक की धूप को काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हो। और इसके लिए जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, तो आप अपने फेस को फेस मास्क या नेक गेटर से कवर कर ही निकलें। और हमारी आईज की स्किन भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए आप ग्लासेस गॉगल्स का यूज करें। और धूप की वजह से हमारे हेयर्स भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स झड़ने लगते हैं, तो इन सीजन्स आपके लिए एक कैप जरूर ले लेना है, जिसकी वजह से आप इन सन्स की हार्मफुल रेज से बच सकते हो। और अपने हैंड्स को टैनिंग की प्रॉब्लम से बचाना है, तो आपको टी शर्ट या शर्ट को फुल स्लीव्स में पहनना है, या आप सन प्रोटेक्ट फुल स्लीव्स का यूज कर सकते हो। और ज़्यादा लाइट कलर के कपड़ों को ही पहनना है, और अच्छा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइनन क्लॉथ्स के यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कूल होता है और आपको भी अंदर से कूल रखेंगे। और आपको रोज़ सनस्क्रीन का यूज करना है, SPF 13 हो या उससे अबव हो, तो आप सनस्क्रीन का यूज कर सकते हो। ज़्यादातर गर्मियों में पसीना आने की वजह से आपकी सनस्क्रीन का लेयर हट जाती है, तो आपको इन गर्मियों में एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, तो आपको सनस्क्रीन का डेली यूज करना है और 2 से 3 घंटे बाद ही इसको रीअप्लाई करते रहना है इन गर्मियों में। और मैं आपको आपकी स्किन के हिसाब से बेस्ट सनस्क्रीन बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो में बने रहें। सेकेंड, विटामिन सी सीरम। ये भी बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है, तो आपको इसे अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर ऐड कर लेना है, स्पेशली जब आपको एक शाइनी और ग्लोइंग स्किन चाहिए, जो कि मॉडल्स की तरह। बेसिकली ये आपकी स्किन के अंदर जाके टैन को दूर करता है, ओवर द टाइम ये स्किन को यूनिफॉर्म करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग और शाइनी बनाता है, और आपके स्किन से डार्क स्पॉट को भी हटा देता है। थर्ड, यूज ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम। ये क्रीम बेसिकली स्किन से डेथ स्किन सेल्स को रिमूव करती है,
जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग रहती है। और इन या इस क्रीम का यूज करने से पहले आपको एक डॉक्टर से सलाह ले लेनी है अपने लिए। और हाँ, इसे आप नाइट में भी यूज कर सकते हो और इसे एक या दो बार ही यूज करें एक हफ्ते में। और एक बात का ध्यान रखें, इसे यूज करने के बाद अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। आपको इसका रिजल्ट 2 महीनों में 100% ग्लोइंग और शाइनी स्किन के साथ दिखने वाला है। यूज होम रेमेडी। हाँ भाई, इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत होने वाली है, हल्दी और बेसन। हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है। हल्दी के साथ बेसन को लगाने से ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और सन टैन को भी दूर करता है। तो आपको एक बाउल में 2 चम्मच बेसन ले लेना है और 1/2 चम्मच हल्दी ले लेना है और इसका एक पैक तैयार करें थोड़ा पानी के साथ और अपनी उंगलियों की मदद से इसे अपने फेस पर आराम से अप्लाई करें और इसे सूखने तक उसके बाद इसको वॉश कर दें एक नॉर्मल वाटर से। इसको आप महीने में 2 से 3 बार कर सकते हो, इसके जिसके रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। अब बताऊंगा स्पेशली बोनस टिप्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपकी स्किन के हिसाब से बेस्ट सनस्क्रीन कौन सी होने वाली हैं। जो आपको आपके फ़ोन के स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं तो ये हैं जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन होने वाली हैं। तो इस वीडियो में जितने भी हेल्पफुल चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी स्किन देने वाली हैं, इन सभी के परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और आप ऐसे ही ग्रूम रहना चाहते हो और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हो, उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो देख लेना। हाँ, तो मिलते हैं।